बिग बॉस के इस बार के सीजन में कई कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं। यूट्यूबर से लेकर गेमर और टीवी जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों ने शो में शिरकत की है, लेकिन इस बार कौन है शो का सबसे महंगा कंटेस्टेंट और किसे मिल रही है वीकली कितनी सैलरी, ये बात अगर आप नहीं जानते तो हम आपको जल्दी से बता देते हैं शो के एक एक कंटेस्टेंट की पर वीक फीस के बारे में। अंकिता लोखंडे। पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपने पति विकी जैन के साथ सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में एंट्री की। रिपोर्ट की माने तो घर में रहने के लिए उन्हें एक सप्ताह की 12 लाख रुपए फीस मिलती है। मुनव्वर फारूकी। कंगना रनौत का रियलिटी शो लॉकअप जीतने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 में अपने फैंस को खूब लोटपोट कर रहे हैं अपने जोक से, अपने अंदाज से। खबरें हैं कि कॉमेडियन को एक वीक के लिए लगभग 7 से 8 लाख रुपए फीस दी जा रही है। ऐश्वर्या शर्मा। गुम है किसी के प्यार में शो की एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने अपने पति नील भट्ट के साथ घर में एंट्री की। रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस प्रति सप्ताह 12 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। नील भट्ट। गुम है किसी के प्यार में शो में नजर आया एक्टर नील भट्ट ने अपनी वाइफ ऐश्वर्या शर्मा के साथ सलमान खान के शो का हिस्सा बनने का फैसला किया है। शो में वो खूब धमाल भी मचा रहे हैं और उनकी फीस की बात की जाए तो उन्हें मिल रहे हैं 7 लाख रुपए पर वीक। मनारा चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की बहन मनारा चोपड़ा ने घर में एंट्री की। बिग बॉस के घर में रहने के लिए एक्ट्रेस को हर हफ्ते 15 लाख रुपए फीस दी जा रही है। अभिषेक कुमार। सीरियल उडारिया में अपनी एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले अभिषेक कुमार एक सप्ताह की 5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। जिग्ना वोरा। एक्ट्रेस और क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा ने बिग बॉस 17 में घर में एंट्री ली है। कहा जा रहा है कि उन्हें एक वीक के लिए 7.5 लाख रुपए फीस दी जाती है। अनुराग डोभाल। अनुराग डोभाल जिन्हें UK 07 राइडर के नाम से जाना जाता है, खबरें हैं कि उन्हें एक वीक के लिए 7.5 लाख रुपए फीस दी जा रही है। रिंकू धवन। रिंकू धवन एक टीवी एक्ट्रेस है और कहानी घर घर की शो से अपनी पहचान बना चुकी है। उन्हें बिग बॉस के अंदर प्रति सप्ताह 4 लाख रुपए फीस दी जा रही है। नाविद सोले। लंदन एक सेलिब्रिटी नाविद सोले ने बिग बॉस 17 में एंट्री ली है और उन्हें एक सप्ताह की 4 लाख रुपए फीस मिलती है। सना खान। हाई प्रोफाइल मामलों को सुलझाने के लिए जाने जाने वाली सना रईस खान को बिग बॉस में एक सप्ताह के लिए 6 लाख रुपए फीस मिलती है। खानजादी। खानजादी को लेकर कहा जा रहा है कि वो एक सप्ताह की लगभग 3 लाख रुपए फीस लेती है। विकी जैन। विकी जैन इस शो के सबसे कम पैसे कमाने वाले कंटेस्टेंट है। खबरें हैं कि उन्हें एक वीक के लिए 5 लाख रुपए फीस दी जा रही है। और तहलका भाई। तहलका भाई को लेकर खबरें कि उन्हें एक वीक के लिए लगभग 3.5 लाख रुपए फीस दी जाती है।